देखिए खबर नाव आज ले चले हैं फिर से मछेडी के इलाका पंचायत किंडली में। किंडली में जो हड़ताल चल रही थी स्टाफ हाई स्कूल के स्टाफ को लेकर, इस सिलसिले में लोगों ने हड़ताल काफी दिनों से की थी और जब इन्होंने आज जो है इनकी हड़ताल बंद हुई, इसलिए जेके खबर नाव ये जानना चाहेगा कि किस कम्प्रोमाइज में आपने ये हड़ताल बंद की। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन जी, आपकी हड़ताल कितने दिन चली? ये हमारी हड़ताल कम से कम 5-6 दिन चली है। 5-6 दिन चली। अच्छा, आपका मुद्दा क्या था? स्कूल में स्टाफ कम होने से भाई ऐसे हड़ताल शुरू की। कम स्टाफ था जी, तो अब आपने बंद कर दी हड़ताल? हाँ जी, बंद की। बेस क्या है बंद करने का? बेस नाम हमें 5 पोस्ट सिलदार साहब आए, हमारे प्रिंसिपल साहब जिनके जेडीयू की बाल रहे हैं, और लेक्चरर साहब जो भी गवर्नमेंट के आदमी आए उन्होंने हमें मौके पर ही ऑर्डर दिए 5 ऑर्डर। प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल जेडीयू और तहसीलदार लोही मल्हार भी थे जी जी जी। इन्होंने आपसे वादा किया कि ऑर्डर कर दिए मौके, हमने ऑर्डर देखे, मौके पे ऑर्डर देखे हमने, ऑर्डर मिले आप जी जी जी। तो उस बार आप बंद कर दी स्टाफ? आज हमने हड़ताल बंद कर दी। अच्छा, कि जब तक ये जैनक पाएंगे, जब तक जैन पाए देंगे तो हमारी हड़ताल बंद ही रहेगी। ये जैनक नहीं पाएंगे, जैनक तक बंद है। हाँ, बंद है। कि जैनक नहीं पाएंगे तो हमारा दोबारा आंदोलन चालू हो जाएगा। अच्छा, फिर से स्ट्राइक शुरू जी जी जी। जो ऑर्डर है वो तो आपने पढ़ा? वो तो पढ़ा सर, वो तो ट्रांसफर ऑर्डर है सर। डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, सीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मौके पे उन्होंने हमारी बात सुनी। चलो, ये तो बात हुई कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को आपने हिलाया और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका काम किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तहसील बिलावर और कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन को जी जी मुबारकबाद देते हैं। जी जी, सबको मुबारकबाद देते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं। और आज यहाँ पर है सरपंच किंडली, अपना नाम मुख्तार अहमद जी। अच्छा मुख्तार अहमद जी, जब हम बात करेंगे आपकी हड़ताल की, बड़ा आपका इसमें रहा, हमने देखा कि सरपंच के खिलाफ भी स्ट्राइक हड़ताल में नाराबाजी खिलाफ कर रहे थे, आपको बुरा लगता था सरपंच मुर्दाबाद कह रहे नहीं? ये लोगों का रोष था, लोगों का गुस्सा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी था और हमारे खिलाफ भी था। वो इसलिए कह रहे कि शायद ये लोग मिले हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सरपंच मिला हुआ है जी जी जी, तो उनको एक डाउट था, जो उस डाउट के मुतालिक आपको डरा भी रहे थे जी जी जी, काफी डराया जी जी। अच्छा, बिल्कुल। तो जब आपकी हड़ताल जो है, आप इसमें फिर शामिल तो हुए, तो आप किस बेस पे आपने हड़ताल बंद कर दी? हमें मौके पे आके हमारे तहसीलदार लोही मल्हार जो हैं वो आए, और प्रिंसिपल साहब आए, दो लेक्चरर थे, और सीओ साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, सब ने हमारा इसमें साथ दिया और सब ने, हमने जो हमारी डिमांडें थी वो सब पूरी कर दी, तो इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसलिए हमने तब तक पोस्टपोन रखी है हड़ताल जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं, ये पोस्टपोन है आपकी, जब तक वो ज्वाइन ना करें जी जी, बंद नहीं। आपको यकीन नहीं आ रहा है? अभी वैसे जो ऑर्डर है वो हमने भी पढ़ा, वो कोई फैक ऑर्डर नहीं है, फैक्स ऑर्डर नहीं है जी जी। उसमें चार डायरेक्टर साहब का जो ऑर्डर है उसमें हेडमास्टर का, तो वो फेक ऑर्डर नहीं है, वो इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये है कि कोई अगर ना अपनी मर्जी से नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई मुलाजम बनता है तो उसके पास भी हजारों बहाने आ जाते हैं ना आने के, तो देखते हैं आप कितना अमल दरामद होता है, तो उसी के हिसाब से हम फिर अपना वो अपना काम आगे शुरू करेंगे। फिलहाल आपका पोस्ट बॉन्ड है ये? पोस्ट जी जी, टिल डेट जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करते तब तक पोस्ट बॉन्ड। जब सभी ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो आपकी हड़ताल आज से ही खत्म है? आज से ही खत्म है। चलिए, ये थे यहाँ लवानाठी किंडली के सरपंच मुख्तार अहमद जी, जिन्होंने एक क्लियर लफ्ज में कहा कि जो हड़ताल है वो पोस्ट बॉन्ड की गई, अगर सभी ज्वाइनिंग्स हो जाती है 5 की 5 तो ये आज से ही हड़ताल मुकम्मल तौर पर किंडली की खत्म हो जाएगी और स्टाफ की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और हड़ताल इनकी मुकम्मल तौर पर आज से खत्म। जेके खबर नाव में कैमरामैन चेतन के साथ मोहम्मद रफीक।